रिंग रोड से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं को आज से फिर मंदिर की घंटियां सुनाई देंगी। काली माता मंदिर के कपाट अब भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान मंदिर में सभी तरह की आवाजाही को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब सरकार के दिशा निर्देश पर मंदिर एक बार फिर खोल दिए गए हैं। यहाँ टीम न्यूज फोल्डर ने जायजा लिया और मंदिर के पुजारी से बात की। हालांकि मंदिर के पुजारी ने साफ किया कि सुरक्षा व्यवस्था तो चाक चौबंद है, लेकिन श्रद्धालुओं की कमी का सबब उनके चेहरे पर साफ नजर आता है। चौधरी, कितने समय बाद ये मंदिर खुल रहे हैं? यह मंदिर 19 मार्च को बंद हुई थी और 8 जून को खुली है। अभी क्या बदलाव आए हैं? जैसे अभी तो कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। यह बीमारी जो है कोरोना वायरस यह ग्रस्त कर रखा है सबको। मन में बहुत सा भय हो गया इंसान को, क्या करें नहीं करें, कहता जो भी कोई चीज़ में हाथ लगाता है 8 दिन तक उसका वायरस रहता है, किसी से संपर्क नहीं। इसलिए मंदिर में व्यवस्था सैनिटाइजर का व्यवस्था किया गया है यहाँ, और 2 गज का दूरी बनाया गया है भक्तों के लिए। 5 आदमी से ज़्यादा मंदिर के अंदर एक बार नहीं ले सकते हैं, न प्रसाद चढ़ा सकते हैं मंदिर में, न प्रसाद दे सकते हैं। केवल भक्तगण आते हैं, अपना माथा टेकते हैं, प्रणाम करते हैं और सीधा जाते हैं। लेना देना अभी कुछ मंदिर में नहीं है, सिर्फ आरती होती है 3 टाइम, सुबह शाम और शयन आरती होती है 8 बजे। फिर 8 बजे मंदिर बंद हो जाएगी आरती होने के बाद। क्या जिस तरीके से मंदिर खुला तो क्या संख्या इस तरीके से नहीं? मंदिर खुला है तो एक आध दुक्का संख्या है, अभी हमें ऐसा लगता है जो फिलहाल ऐसा ही रहेगा अभी, क्योंकि चरमराया हुआ है, सबको भय है, डर है। लेकिन मंदिर खुल गया है तो अब तो भगवान के सहारे हैं, क्योंकि आस्था का स्थान है यह। अब तो सब देवी देवता से प्रार्थना करेंगे जो इन बीमारियों से मुक्त करेंगे। मंदिर के दर्शन लोगों के लिए खोल दिए गए हैं, लेकिन आलम है कि यहां अभी श्रद्धालुओं का उस तरह तांता देखने को नहीं मिल रहा जिस तरह लॉकडाउन से पहले यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहा करती थी। और उसी का नतीजा है कि यहां छोटे वेंडर जो प्रसाद आदि की दुकान लगा कर बैठे हैं, वो भी अब हाथों में सैनिटाइजर की बोतल लेकर और चेहरे पर मास्क लगाए अब श्रद्धालुओं का रास्ता देखते नजर आते हैं। आज हमारे को इतनी खुशी है कि भाई 2-2.5 महीने से हम घर में बैठे थे, आज आए हैं दुकान लगाएंगे। सबसे पहले हमने अपनी दुकान सैनिटाइज की है, प्लस उसके बाद हमने सैनिटाइजर रख रखा, कोई भी भगत आएगा उसकी सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए उसको सैनिटाइज करवाएंगे। और हमने ये गोले बना रखे हैं ताकि अगर ज़्यादा भीड़ होती है तो इन गोलों से ही हमारी दुकान में भगत आएगा। अगर हम सेफ हैं तो इंडिया सेफ है, हम सेफ नहीं है तो कुछ भी सेफ नहीं है। हम खड़े हैं रिंग रोड काली माता मंदिर के ठीक सामने, और मैं आपको बता दूं कि आज सरकार की दिशा निर्देशों के अनुसार पहला दिन है जब मंदिरों के कपाट लॉकडाउन के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं। आज इसी का हम जायजा लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हमने यहाँ मंदिर के पुजारी से भी बात की और साथ में छोटे वेंडरों से भी बात की। फिलहाल ये तो साफ है कि यह श्रद्धालुओं की कमी है, लेकिन यहाँ उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे जैसे जिंदगी पटरी पर लौटेगी या श्रद्धालुओं की एक बार फिर वैसे ही आवाजाही देखने को मिलेगी जिस तरह पहले दिखाई देती थी। मैं अपने सहयोगी को कहना चाहूँगा कि मेरे सीधे हाथ की तरफ दिखाए, ये वही लोग हैं जो श्रद्धालुओं के आने पर अपने भोजन पानी का इंतजाम पाते थे। आज इन लोगों को भी इंतजार है श्रद्धालुओं के आने का, जिससे इनका पेट भर सके, इन्हें भी कुछ खाने को मिल सके। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मंदिर प्रशासन ने यहाँ पर किसी भी तरह के प्रसाद को चढ़ाने के लिए रोक लगा दी गई है। ऐसा दिल्ली के तमाम सभी मंदिरों में है जहाँ आप प्रसाद नहीं चढ़ा सकते, केवल दर्शन कर सकते हैं। और दर्शनों के साथ साथ ही आपको ये भी ख्याल रखना होगा कि जब आप मंदिर परिसर में हों तो उस वक्त ज़्यादा भीड़ मौजूद ना हो, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल आपको रखना होगा।